लड़की पड़ी हुई है। महाराज ने अपने दुपट्टा को डाला है, देवयानी को निकाल लिया। अब देवयानी जो है कुआं की पार पर खड़ी हुई है, तो यादि कहने लगे, भला तुम इस कुआं में कैसे गिर पड़ी है? बोले, हम अपनी सहेलियों के साथ में घूमने के लिए आई थी, खेलने के लिए, तो भाई हमें कुआं में धकेल करके चली गई। यादि कहने लगे, ऐसी सहेलियों के साथ में खेलने के लिए मत आओ, भला अब तुम्हें कुआं में धकेल करके ही चली गई है, अगर कहीं मर जाती तो, और भला इस कुआं में पड़ी रहती तो क्या होता? अब कभी भी ऐसी लड़कियों के साथ में खेलने के लिए मत आना। अब महाराज यादि कहने लगे, देवयानी अब तुम जाओ घर पर, वैसे तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले, शुक्राचार्य। बोले, अच्छा, वो तो बड़े अच्छे ब्राह्मण है, चलो जाओ अब घर पे जाओ। देवयानी कहने लगी, महाराज जाए घर पे जाए कैसे जाए? बोले, कैसे जाओगी, पैदल पैदल निकल जाओ। बोले, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन अब आपने हमें इस कुआ से बाहर निकाला है और मेरी कलाई को पकड़ा है, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपना विवाह आपके साथ में करें। यादि कहने लगे, कि पागल हो गई हो, हम एक क्षत्रिय हैं, तुम एक ब्राह्मण की लड़की हो, भला आपका विवाह हमारे साथ में कैसे हो सकता है? देवयानी कहने लगी, महाराज कुछ भी करो, आपका मेरे साथ में विवाह करना होगा। और बोली है देवयानी, क्या